नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने, मतलब मैं जो गाड़ी में बैठा हूँ अभी, हुंडई की सबसे लेटेस्ट मॉडल है हुंडई टूशन। और इस गाड़ी में मेनली फीचर्स तो बहुत सारा है। इसमें जो नया चीज़ एकदम मुझे लगा है कि पहले इसको जानना है, क्योंकि इसमें जो ऑडियो आता है ये टच स्क्रीन आता है, और साथ साथ ये जो एसी का कंट्रोल मॉड्यूल है FATC जिसे कहा जाता है, ये भी टच कंट्रोल है। तो इसको सिर्फ टच करने से मतलब ये काम करता है, सारा ऑपरेशन होता है। अब मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि बाई चांस अभी तो ये गाड़ी नया है, बट अगर कल ये गाड़ी पुराना होता है या फिर कभी भी ऐसा होता है कि इसको हमें खोलना पड़े, तो इसको कैसे खोलना है इसके बारे में खुद पहले अपडेट हो जाए। और मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये अपना कंपनी का जो टेस्ट ड्राइव का गाड़ी होता है उसमें पहले मैं खुद को अपडेट कर लेता हूँ, ताकि कभी भी अगर कस्टमर का किसी गाड़ी में प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट उनके गाड़ी में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये सब छोटा छोटा जो साइड होता है दाग उग हो जाता है, मतलब स्क्रैच आ जाता है, तो कस्टमर को ये खराब लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि किसी और का गाड़ी में प्रैक्टिस हो, जो भी प्रैक्टिस करना है वो मेरे अपना कंपनी का गाड़ी में करके हम लोग पहले कन्फर्म हो जाए। तो आज इस वीडियो में मेन जो देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है पैनल कम्प्लीट, ये पैनल को कैसे हम लोग बहुत ही आसानी से एटलीस्ट खोल सकते हैं, मुझे पता नहीं है। अब हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, बट मुझे जो लग रहा है ये पैनल को अगर हम डायरेक्टली खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तुम काम में शुरू करो। और ये पैनल खोलने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जो ये पूरा कॉन्सोल आपको दिख रहा है, ये कॉन्सोल को खोल के हटाएंगे, उसके बाद जाके शायद हम पैनल तक पहुँच पाएंगे। नहीं तो हम अगर डायरेक्टली पैनल खोलने जाएंगे तो उसके इसमें स्क्रैचेस या टूटने का चांसेस है। अब इसको थोड़ा पकड़ने होगा, तो अभी हमने ऑलरेडी इतना सारा सब कुछ देखिए खोल दिया, और इतना सारा सब कुछ खोलने के बाद भी मेरा ऑडियो जो है ये बिल्कुल जैसा कि वैसा ही है, और FATC मॉड्यूल भी एकदम बिल्कुल वैसा ही है। तो अब क्या करना है, इसको ऑफ कर दो।
अब इतना खोलने के पीछे भी रीजन है, नहीं तो हम डायरेक्टली अगर इसको एक्सेस करने जाते तो ये जनाब जो है ये खोलने का पोजीशन नहीं था। अब इसको खोलने के लिए मतलब इतना सारा सब कुछ खोलने के बाद जाके हमको यहाँ पे एक्सेस करने का जगह मिला है। अब देखिए, क्योंकि नहीं तो यहाँ से साइड से अगर करने जाएंगे तो ये सब खोलने के जगह ये टूटने का चांसेस ज्यादा हमको लग रहा है। तो मैं पहले बार क्योंकि कर रहा हूं तो थोड़ा सेफ्टी के साथ कर रहा हूं, और देखते हैं अगर बाद में लगता है कि नहीं डायरेक्टली इसको खोल सकते हैं तो तब खोलेंगे। माय गॉड, तो ये पार्ट जो है जनाब ऐसे खुलेगा। बहुत हार्ड लॉक लगा हुआ है। अब देखिए ये खोलने के बाद जाके हमको ये साइड में एक स्क्रू और नीचे, माय गॉड, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है और सेम इसी साइड भी होगा। हम बाहर निकल जाते हैं। तो अभी फाइनली हमने जो चारों स्क्रू था यहाँ पे एक और ऊपर इस कोने में एक और यहाँ पे एक, चारों स्क्रू खोल दिया और अभी ऑडियो आई होप कि ये बाहर आ सकता है। अभी भी कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा टान के देखेंगे पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हिल रहा तो। अब फाइनली ये ऑडियो जो है कंप्लीट, सिर्फ ऑडियो भी नहीं कहेंगे, ये कंप्लीट पार्ट अभी बाहर आ गया। अब इसमें कौन सा क्या स्पेशली एफएडीसी के लिए ये नीचे वाला पार्टिंग हो रहा है और इतना सा दोनों कनेक्टर जो है ये ऑडियो के लिए है, नज़र में इतना ही आ रहा है। अब इसके अंदर क्या है, जब कुछ भी प्रॉब्लम आएगा आगे तब जाके कुछ मतलब नए और सीखेंगे। अभी एटलीस्ट जितना सीखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर खुलने में ही हम लोगों को कुछ दिक्कत हो जाता है तो आगे की प्रॉब्लम तो छोड़ दीजिए। और जब भी कोई नया गाड़ी आता है ना, तो हम लोगों के लिए एज ए कस्टमर आप सोचते हैं इतना सारा फीचर्स है, बट हम जब कुछ नया फीचर्स देखते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि ये अगर खराब होता है तो कौन सा पोजिशन से यह कैसे ख़राब हो सकता है और इसको रिपेयर कैसे करेंगे, ये हमको मेन जानना है। बस दोस्तों, ये छोटा सा एक वीडियो था सेल्फ अपडेट के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देख के एटलीस्ट अगर कुछ भी मोटिव मिला हो कि हाँ ऐसा कभी भी करना चाहिए, तो एटलीस्ट मेरा वीडियो जो है वो लगेगा कि हाँ सही वीडियो मैंने दिया। जितना भी मेरा टेक्नीशियन भाई है सबके लिए ये एक छोटा सा मेरे तरफ से मैसेज समझ लीजिए कि आपने आपको भी आप मतलब कुछ भी हो जाए, नया गाड़ी जब भी आता है या कुछ भी नया आता है तो सबको अपडेट करना ज़रूरी रहता है। हम भी मतलब इसी
कोशिश में एक स्टूडेंट की तरह लगे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।